हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुछ अवाहा प्रॉपर्टी। मैं आपका दोस्त सनत कुमार। दोस्तों, एक चार बेडरूम फ्लैट की इन्वेंटरी अपडेट है, तो बने रहें वीडियो के लास्ट तक। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। जैसा कि आपको पता है, आईपी एक्सटेंशन पटपड़गंज में यदि आप चार बेडरूम परचेज करने की बात करते हैं और खासकर ये कह देते हैं कि भाई साहब हमें प्रॉपर चार बेडरूम की रिक्वायरमेंट है तीन टॉयलेट के साथ, तो बहुत ही कम ऑप्शन हो जाते हैं, या यूं कह लो कि फ्लैट बने ही नहीं है। उनमें से कुछ सोसाइटियां हैं जिनके अंदर प्रॉपर चार बेडरूम के फ्लैट बने हुए हैं, जिसमें से जो इन्वेंटरी आज हमारे पास अवेलेबल है वो हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो पहला फ्लैट हमने लिया हुआ है धर्मा अपार्टमेंट से। धर्मा अपार्टमेंट मदर डेयरी के जस्ट बैक साइड की सोसाइटी है, जो कि कोणार्क अपार्टमेंट के ठीक सामने NH24 के पैरेलल लिंक रोड में बनी हुई है। धर्मा अपार्टमेंट के अंदर जो चार बेडरूम के फ्लैट हैं वो मल्टी स्टोरी, सिंगल मल्टी स्टोरी एक टावर है उसके अंदर बने हुए हैं, और टोटल एक फ्लोर पे चार फ्लैट हैं, सात फ्लोर की ये बिल्डिंग है। उसमें अपने को सेकंड फ्लोर का एक फ्लैट मिलता है जिसकी कवर्ड प्लिंथ एरिया की बात करी जाए तो 115 स्क्वायर मीटर कवर्ड प्लिंथ एरिया में चार बेडरूम तीन टॉयलेट बने हुए हैं। एक एंट्री ड्राइंग रूम में जाती है और एक जो पहला बेडरूम है सेपरेटली, उसको ऑफिस की तरफ यूज कर सकते हैं, उसकी सेपरेट एंट्री है तीन टॉयलेट के साथ। ये चार बालकनी वाला, पांच बालकनी वाला जो है ये फ्लैट है, जिसमें यदि हम कार पार्किंग की बात करें तो इस सोसाइटी के अंदर आप तीन गाड़ियां विदाउट एनी एक्स्ट्रा चार्ज पे करे आप पार्क कर सकते हैं। मेंटेनेंस की बात करें तो 2700 रुपए पर मंथ इस सोसाइटी की मेंटेनेंस है। 1,90,00,000 रुपए का ये फ्लैट ऑनर की तरफ से डिमांड रखा गया है। आप विजिट का प्लान कर सकते हैं, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है। 1,90,00,000 रुपए का 90% तक आप किसी भी बैंक से लोन ले सकते हैं। ये एक अच्छी डील है। 1989-90 के आसपास के अलॉटमेंट है। इस सोसाइटी के अंदर टोटल 96 यूनिट है, जिसमें दो बेडरूम तीन बेडरूम तथा चार बेडरूम के फ्लैट बने हुए हैं। इस सोसाइटी के अंदर कुछ यूनिट डुप्लेक्स तीन बेडरूम के भी हैं। अगला फ्लैट हमने इंजीनियर स्टेट अपार्टमेंट से लिया हुआ है। इंजीनियर स्टेट अपार्टमेंट की बात करें तो इंजीनियर स्टेट अपार्टमेंट भी वेस्ट लखनऊ नगर मंडावली मेट्रो स्टेशन के जस्ट बराबर की सोसाइटी है। काफी अच्छी सोसाइटी है। इस सोसाइटी के अंदर 196 यूनिट टोटल बने हुए हैं, फोर स्टोरी तथा मल्टी स्टोरी के टावर हैं सोसाइटी के अंदर। इस सोसाइटी के अंदर भी सोसाइटी का अपना मंदिर, पार्क, सारी चीजें हैं। साथ ही यदि बात करी जाए इस फ्लैट की, तो इस फ्लैट की जो कवर्ड प्लिंथ एरिया है 125 स्क्वायर मीटर कवर्ड प्लिंथ एरिया पे बना हुआ चार बेडरूम तीन टॉयलेट तथा स्टोर रूम के साथ एक शानदार फ्लैट है, जिसका मेंटेनेंस 3500 रुपए तथा एक रिजर्व कार पार्किंग का स्लॉट यहां पर अपने को मिलता है। 2,75,00,000 रुपए की ये डील है, फ्लैट ओनर की तरफ से डिमांड है। आप इसको भी देखने का प्लान कर सकते हैं, चाबी का अरेंजमेंट है, दिखवा देंगे। ये सोसाइटी भी 1998-99 के आसपास की बनी हुई है। तो यदि हम एज की बात करें तो ओवरऑल आज आईपी एक्सटेंशन पटपड़गंज के अंदर ही सारी सोसाइटियां 1989-90 के आसपास की बनी हुई है। इस तरीके से ये चार बेडरूम का फ्लैट जो है इंजीनियर स्टेट अपार्टमेंट में, जो कि कुछ लिमिटेड यूनिट ही इस सोसाइटी के अंदर भी बने हुए हैं। ऐसा नहीं कि इस सोसाइटी के अंदर पूरा का पूरा टावर चार बेडरूम का बना हुआ है, कुछ लिमिटेड यूनिट्स इसमें मल्टी स्टोरी के अंदर लिफ्ट में अवेलेबल है। अगला फ्लैट हमने बाटला अपार्टमेंट से लिया हुआ है। बाटला अपार्टमेंट के इस फ्लैट की बारे में, जिसके बारे में हम आपको बता रहे हैं, हमने पहले भी वीडियो इसका डाला हुआ है, आप हमारे यूट्यूब पे जाके आप सर्च करके देख सकते हैं। यहां पर मल्टी स्टोरी के अंदर आपको फर्स्ट फ्लोर आउट ऑफ 7 फ्लोर में मिलने वाला है, दो लिफ्ट है। यदि हम पार्किंग की बात करें तो यहां पर जो है अपने को पहली पार्किंग जो मेंटेनेंस है 2500 रुपए उसमें फ्री मिलने वाली है। सेकंड कार पार्किंग के लिए आपको जो है 100 रुपए तथा थर्ड कार पार्किंग के लिए 500 रुपए आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। इस सोसाइटी के अंदर सोसाइटी का अपना मंदिर, पार्क तथा वन बेडरूम टू बेडरूम थ्री बेडरूम फोर स्टोरी के अंदर तथा थ्री बेडरूम थ्री टॉयलेट मल्टी स्टोरी के अंदर तथा चार बेडरूम मल्टी स्टोरी के फ्लैट बने हुए हैं। ये सोसाइटी भी 1989-90 के आसपास की बनी हुई है, चाबी का अरेंजमेंट है, आप जब भी जगना चाहें प्लान कर सकते हैं, दिखवा देंगे। अगला फ्लैट हमने आशीर्वाद कोऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी से लिया हुआ है, जो मधु विहार के बिल्कुल कॉर्नर की सोसाइटी है। इस सोसाइटी के अंदर भी फोर बेडरूम तीन बेडरूम तथा दो बेडरूम एवं सिंप्लेक्स
कि लिमिटेड ग्राउंड फ्लोर पे फ्लैट बने हुए हैं, क्योंकि ये टोटली सोसाइटी डुप्लेक्स सोसाइटी बनी हुई है। इसमें अपने को चार बेडरूम का जो फ्लैट है वो मल्टी स्टोरी का एक सिंगल टावर बना हुआ है उसके अंदर मिलता है। फोर्थ फ्लोर का फ्लैट है, चौथा और पांचवा फ्लोर अपने को मिलता है। 155 मीटर कवर फील्ड एरिया, जो कि मुझे लगता है कि बाटला का जो सिंप्लेक्स फ्लैट है उससे भी एक मीटर बड़ा है। तो यूं कह सकते हैं कि पटपड़गंज का ये बिगेस्ट फ्लैटों में से एक है। इस सोसाइटी के अंदर सोसाइटी के का अपना मंदिर है, पार्क है, जो मेन गेट है उस पे आपको जो है कमर्शियल कॉम्प्लेक्स सोसाइटी का अपना बना हुआ है, जिससे सोसाइटी को रेवेन्यू जनरेट होती है। बैक साइड में यदि आप जाते हैं तो पंकज सेंटर मार्केट है, मदर डेयरी का बूथ, वेजिटेबल्स, साथ ही एटीएम, बैंक्स, डेली नीड्स की चीजें पीछे गेट पे भी मिल जाती हैं। यदि हम कनेक्ट